हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ ब्रेन वेव्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉइल एग करी। ये बहुत इजी बन जाने वाला क्विक रेसिपी है। यहाँ पे है बॉइल एग, आप देख सकते हैं बॉईल किए हुए एग्स है, चॉप ऑनियन है, टमाटोज है, चेरी टमाटोज दो लिए है, आधा ऑनियन है, दो रेड ग्रीन चिलीज है, करी पाउडर है, कोकोनट मिल्क है, कोकोनट ऑयल है और बेसिक मसाले है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम रेसिपी की तरफ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पैन हीट अप करके रखा है, तो इस पर हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसका अजीब सा जो स्मेल आता है वो नहीं आता है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि कोकोनट ऑयल अच्छा नहीं है टेस्ट वाइज, पर आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ और टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। आप प्लीज़ ट्राई करें कोकोनट ऑयल। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेसमी ऑयल भी डाला है, थोड़ा सा मीठी फ्लेवर के लिए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टर फ्राई करते हुए हम जब वेजिटेबल्स या कुछ भी, तो उसको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है सेसमी ऑयल। तो सेसमी ऑयल भी मैंने थोड़ा सा डाला है। और यहाँ पे हम डालेंगे बॉयल एग, थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम बॉयल एग को। अच्छे से हम दो पीसेस में कट कर लेंगे बॉयल एग को, अपने जितना भी किए हैं उनको सबको हम कट कर लेंगे बॉयल एग को। और अच्छे से दोनों साइड से हम फ्राई करेंगे और थोड़ा सा रेडिश कलर होने तक हमको अच्छे से इसको फ्राई करना है। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा तेल लेके हम फ्राई करेंगे। और इसमें हम बेसिक मसाले डालेंगे जैसे कि नमक, चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, तो फ्लेवर उसमें इन्हेंस हो जाएंगे। क्योंकि एग्स को तो अपना फ्लेवर कुछ होता नहीं है, तो इसको हमें थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे बेसिक मसाले डालेंगे, तो और अच्छे से फ्लेवर आएगा। और वो जो ऑयल मैंने आपको दिख रहा है कि ज़्यादा है अभी, पर इसी में ही हम बाकी की प्रोसेस भी करने वाले हैं, क्योंकि इसमें सब फ्लेवर आ गए ऑयल में। इसलिए पहले ही मैंने ऑयल थोड़ा सा ग्रेवी के अनुसार डाला है कि हमें बाद में ना डालना पड़े और ये ऑयल में सब फ्लेवर्स उतर जाए और हमारी ग्रेवी और टेस्टी और डिलीशियस लगे। तो हम डालते हैं आधा टेबल स्पून के करीब सॉल्ट। मैंने चम्मच से नहीं डाला है, मैंने ऐसे हाथों से स्प्रेड आउट किया तो अच्छे से स्प्रेड होगा और इवनली सबको, सब अंडे को एग्स को मिलेगा, इसलिए मैंने हाथ से डाला है। यहाँ पर हम कोरिएंडर पाउडर डालेंगे आधा टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून टर्मरिक डाली है, आधा टेबल स्पून चिली पाउडर डाला है। और ये अच्छे से रोस्ट होने देंगे हम इसको, हम स्टर करेंगे और एक साइड से होने के बाद दूसरे साइड पे हम टर्न कर देंगे और उसको भी ब्राउन कर लेंगे। और ये क्रिस्पी के ऑयल की वजह से ऐसे लग रहा है तेल, या एग्स की वजह से भी ऐसे लग रहा है ये तेल, पर ये अच्छा है, कुछ ख़राब नहीं है। हम सब एग्स को ऐसे टर्न आउट कर लेंगे, दूसरे साइड से भी अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और कितना अच्छा लग रहा है। हमारे एक साइड से देख सकते हैं आप एग्स कितने अच्छे से कुक हो गए। हमने एक साइड पर ये एग्स कर लिए हैं। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बाकी के वेजिटेबल्स डालेंगे। क्या क्या यूज़ करेंगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑनियन रफली चॉप किया है, आप कैसे भी कट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने टमाटोज भी ऐसे ही रफली चॉप किए हैं। करिएंडर पाउडर, करी लीव्स डाले हैं और ग्रीन चिलीज डाली है दो, इसको स्लाइड करके डालेंगे, कट करके डालेंगे थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये तेल में भी अच्छे फ्लेवर्स आ गए हैं, तो और भी अच्छा टेस्टी होगा। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हमको इनको थोड़ा सा स्टर फ्राई करने हैं वेजिटेबल्स को, आपको ज़्यादा सौते नहीं करना है, और इसका रॉ स्मेल निकल जाए उतना हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है बाकी का ऑनियन टमाटोज। और यहाँ पे मैं जिंजर कट ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप कट भी कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, आप कट करके जिंजर को भी डाल सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने ग्रेट किए हैं। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जिंजर का फ्लेवर, इसलिए मैंने ऐसे ऊपर से डाला है, तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं।
ये कुछ और ही लेवल पे जाता है, जिंजर और कोकोनट, और ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने ग्रेट करके डाला है जिंजर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये सब चीज़ों को एक साथ ऐसे मिक्स करके बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम। एक प्याज और कांदा हो गया है हमारा, अच्छे से दिख रहा है आपको, और यहाँ पे मैंने डाला है गरम मसाला और चिकन पाउडर डालेंगे हम। चिकन मसाला पाउडर, ये रेडीमेड चिकन मसाला जो आता है हमारा, वो हम डाल रहे हैं। ये भी एक टेबल स्पून हम डालेंगे। पहले भी हमने थोड़े से मसाले डाले हैं तो ध्यान से डालना है अभी। और यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर डाला है, आधा टेबल स्पून टर्मरिक डाली है, आधा टेबल स्पून चिली पाउडर डाला है। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार, आप तीखा खाते हो तो थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम अच्छे से सबको मिला लेंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि एक फिर टूटने लग जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे हम। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क, और ये हम धीमी आंच करके ही डालेंगे, नहीं तो कोकोनट मिल्क ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको धीमी आंच करनी है, स्लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है, और ये इसको उबाल आने तक, बॉईल आने तक आपको अच्छे से थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, स्टर करते रहना है, नहीं तो ये मिल्क ख़राब हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते करते इसको अच्छे से पका लेना है। जब तक कि इसको बॉईल ना आ जाए तब तक आपको इसको मिक्स करते रहना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखो आप कितना कलरफुल लग रहा है, ग्रीन, रेड, वाइट, येलो, इट्स वेरी कलरफुल डिश। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है एज़ पर योर टेस्ट, पहले भी डाला है हमने तो ध्यान से डालना। यहाँ पे आधा टेबल स्पून के करीब मैंने सॉल्ट डाला है, आप देख सकते हैं मैं बहुत धीरे धीरे हिला रही हूँ, जब बॉइल आने तक आपको ये प्रोसेस करनी है। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जैगरी भी जाएगा, जैगरी मैंने आधा टेबल स्पून के करीब डाला है, क्योंकि हमने टमाटोज वगैरह डाला तो स्वीटनेस भी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए टेस्ट को मैंने यहाँ पे जैगरी भी हम डालेंगे। ये एज़ पर योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैगरी को भी, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से उबाल आने लगा है, ऑयल सेपरेट आउट होने तक आपको ये पका लेना है, कि इसका जो मिल्क हमने डाला है कोकोनट मिल्क उसका रॉ फ्लेवर निकल जाए, तब तक आपको अच्छे से इसको बॉईल करना है। यहाँ पे मैं जैगरी डालती हूँ, आप देख सकते हैं आधा टेबल स्पून, और अब हम इसको बॉईल आने तक और तेल ऊपर आने तक पका लेंगे, और इट्स रेडी टू सर्व हो जाएगा, रेडी टू ईट हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप देख सकते हैं इस वे लुक नाइस, तेल देख सकते हैं साइड साइड में आने लगा है, क्योंकि कोकोनट मिल्क से हम ज़्यादा उबालेंगे तो उससे तेल छूटने लगता है, इसलिए हम पहले भी तेल थोड़ा कम डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोकोनट मिल्क से तेल आता है, बॉईल करते करते ही हमें तेल दिखने लगेगा कि ये तेल बहुत ऐसे ऊपर आने लगा है, ये कोकोनट ऑयल ही रहेगा। या इट्स रेडी टू सर्व, इट्स लुक नाइस, और बहुत इजी और फटाक से बन जाने वाली रेसिपी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं हमें। और ये ग्रेवी हमने एग्स में बनाई है, आप चिकन में बना सकते हैं या वेजिटेबल्स में भी बना सकते हैं, बेसिक आप वेजिटेबल्स लेके भी बना सकते हैं सेम प्रोसेस में। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, आपके अकॉर्डिंग टेस्ट के अनुसार आप पानी डाल सकते हैं कम ज़्यादा, मैंने आधा बाउल डाला है। या इसको अच्छे से उबाल आने देंगे, वाटर डाला है इसलिए अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम इसको बॉईल आने देंगे, और इसको हम रोटी, चपाती या भाकरी किसी के भी साथ खा सकते हैं, और ये वेजिटेबल्स में भी बहुत अच्छी लगती है, और नॉनवेज में तो है ही अच्छा, और बहुत वीक बन जाने वाली रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें।
और शेयर माय रेसिपी एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वैसे ही मेरे चैनल को देखते रहे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।